नमस्कार दोस्तों, दोस्तों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला बस कुछ ही घंटे दूर है और भारतीय टीम न्यूजीलैंड को रौंदने की तैयारी भी पूरी कर चुके हैं और इसमें बीसीसीआई ने उन 15 खिलाड़ियों के नाम अनाउंस किए हैं जिनसे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में भारत की तूफानी प्लेइंग 11 बनेगी। यह मुकाबला 18 जून से शुरू होगा और 22 जून तक चलेगा। आपको बताना चाहेंगे कि भारत से जो स्क्वाड इंग्लैंड के लिए रवाना हुए थे उनकी संख्या 20 थी और 5 खिलाड़ियों का नाम स्क्वाड से हटा दिया गया है। बताएंगे उन 15 खिलाड़ियों के नाम और किसे क्यों हटाया गया, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसके साथ ही आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में कौन शतक लगाएगा, विराट कोहली या तो फिर रोहित शर्मा या तो फिर ऋषभ पंत। दोस्तों आपको बता दें कि भारत इतनी मजबूत टीम है कि उन्हें काफी असमंजस का सामना करना पड़ रहा है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले के लिए प्लेइंग 11 बनाने में और कई कड़े फैसले भी लेने पड़ते हैं कुछ खिलाड़ियों को लेकर। इंग्लैंड के लिए 20 खिलाड़ी रवाना हुए थे और उनमें से 5 खिलाड़ियों को ऑफिशियल तरीके से कट आउट कर दिया गया है जो प्लेइंग 11 में नहीं रहेंगे और उन खिलाड़ियों में नाम आता है केएल राहुल, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, मयंक अग्रवाल और वाशिंगटन सुंदर। वैसे भी सुमन गिल और रोहित शर्मा शुरू से ही ओपनिंग के लिए फेवरेट जोड़ी रहे हैं क्योंकि जो प्रदर्शन सुमन गिल ने ऑस्ट्रेलिया टूर में किया था उससे सेलेक्टर्स काफी इंप्रेस हैं। इसके साथ ही प्रैक्टिस मैचों में भी सुमन गिल ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि टीम का बॉलिंग यूनिट क्या रहेगा। शार्दुल ठाकुर के जाने के बाद भारत के पास 5 तेज गेंदबाज बचे हैं जिनमें नाम आता है जसप्रीत बुमराह, ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और उमेश यादव का। अब देखने वाली बात होगी कि भारतीय टीम किस कॉम्बिनेशन के साथ जाते हैं, 4 तेज गेंदबाज और एक स्पिनर या तो 3 गेंदबाज और 2 स्पिनर। इसके साथ ही आपको बता दें कि अश्विन और जडेजा भारत के लिए 2 स्पिन गेंदबाज बचे हैं और बहुत ज्यादा चांस है कि भारतीय टीम 3 तेज गेंदबाज और 2 स्पिनर के साथ जा सकते हैं क्योंकि दोनों रविचंद्रन अश्विन और जडेजा में से किसी एक को छोड़ा नहीं जा सकता है। दोनों ही मैच विनर खिलाड़ी हैं और साथ में बल्लेबाजी भी कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर। तो चलिए आपको बताते हैं उन 15 खिलाड़ियों के नाम जो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं बीसीसीआई के द्वारा। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, हनुमा विहारी, ऋषभ पंत, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, उमेश यादव और रिद्धिमान साहा। और इन्हीं 15 खिलाड़ियों में से कोई 11 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेलते हुए दिखेंगे आपको। आप अपनी बेहतरीन प्लेइंग 11 हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं आपको बता दें न्यूजीलैंड की टीम भी पीछे नहीं है, उन्होंने भी अपने 15 खिलाड़ियों की लिस्ट कल जारी कर दी थी और उनमें नाम आता है केन विलियमसन, टॉम ब्लंडेल, ट्रेंट बोल्ट, डेवन कॉनवे, कॉलिन डी ग्रैंड होम, मैट हेनरी, काइल जेमियसन, टॉम लैथम, हेनरी निकोलस, अजस पटेल, टीम साउथी, रॉस टेलर, नील वैगनर, बीजे वैटलिंग और विलियंग। दोनों ही टीमों में से एक से बढ़कर एक खिलाड़ी हैं और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला बेहद ही रोमांचक रहेगा। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहें, आपके लिए हम इस तरह के वीडियोस रोज लाते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में और भी जबरदस्त और बेहतरीन कॉन्टेंट के साथ।